यार मैं अनफॉर्चुनेटली मैंने मिस किए, मैं परसों देखूंगा फिल्म घर में, क्योंकि मुझे निशिकांत और इरफान ने बताया कि बच्चे के साथ देखना बहुत ज़रूरी है, सो आई विल सी बिकॉज अ फादर सन रिलेशनशिप फिल्म एंड बाकी जितने भी लोग निकले उन्हें बहुत पसंद आई, तो परसों मैं जरूर देखूँगा। So, I have two questions for you. So, my first question to you is, sir, nowadays there's a downfall going on in Bollywood film because there's movies getting pirated, so before the release, what is your comment on that? So, piracy should not happen here, or what? It's a deep question, mat pooch raat ko mujhse aaram se, simple question bol koi. The second question to you was, sir, there's a clash between Rais and Sir Kabil. What's going to come to you? Jaisa maine kaha, thoda simple question pooch raat ko, aise mushkil question mat poochho. तुझे क्या लगता है मैं ये सब बातें करूँगा तुझसे अभी यहाँ पर, क्या चांस है इसका, चांस क्या बता दे मुझे। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, हैप्पी इंशाल्लाह। थैंक यू। नेहा जी यहाँ पे। आई थिंक मूवी अच्छी होगी और इरफान सर ने जो काम किया है वो देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं। That's very sad. It's very sad for our industry and we work very hard. But I think it's violating and people should stop doing it. It's not that theaters will be shot and we won't be producing films, but then there will be internet films, I guess. Well, that's a very long subject and very vast subject. But the thing is that this sort of stealing is not acceptable in any society, and we have to make sure that we don't encourage such a behavior, and it's bad behavior. All right. हाँ जी जी ठीक है, हमने किसी को नहीं दिखाई अभी तक, नहीं मेरा हमने फिल्म किसी को भी नहीं दिखाई। हम चाहेंगे कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए जहाँ सोनिया जी, मोदी जी, अरुण केजरीवाल जी, राहुल जी, अमित शाह जी सब मिलके एक ही हॉल में बैठ के अगर फिल्म देखें, हम चाहेंगे ऐसा माहौल बन जाए, कोई भी फिल्म देखें, चाहे हमारी देखें, किसी की भी देखें। होता था ना ऐसा, होता था पहले मतलब ऑपोजिशन वाले लोग आपस में मिलके बैठते थे, डिस्कशन करते थे, ऐसा होता था ना, तो ऐसा माहौल और बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं नहीं हम तो विश कर रहे हैं और आगे, अभी कल परसों से स्क्रीनिंग्स करना शुरू की है एंड टच वुड अच्छा है रिस्पांस। एक्चुअली जो ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्यों गए मिलने के लिए पॉलिटिशियन से, क्योंकि ये इस तरह से एक्सटेंशन है हमारी फिल्म का, जो हमारी फिल्म बात कर रही है उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि फिल्म में आप इतना लंबा डिस्कशन नहीं दिखा सकते हैं। फिल्म एक कहानी होती है, उसमें एक मुद्दे को आप छू सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इमोशनली, लेकिन ये सब बातें नहीं हो सकती हैं। तो ये सब बातें जो फिल्म करते वक्त और उसके पहले और उसके आसपास जो आपके सवाल उठते हैं, तो हमें लगा कि ये इस फिल्म की कहानी को एक्सटेंड करना होगा, तो हमने वही किया है। क्योंकि कोई है ही नहीं और इस फिल्म के अंदर, और क्या होता है कि आप इस फिल्म में थोड़ा सा ये है कि आपकी ओपिनियन मैटर कर रही है,
वाकई पहले जो भी फिल्म करते हैं उसमें और भी लोग होते हैं और टीम जो है उसको पूछते हैं हम कि ये ऐसा क्यों करें, बोलते हैं कि इसलिए करो, तो हमारा एतराज़ होता है तो भी नहीं माना जाता जो बोलते हैं हम करते रहते हैं। इस फिल्म के अंदर क्योंकि ये हमारी फिल्म है इसमें हम भी पार्ट प्रोड्यूसर हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें हम बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो कुछ ओपिनियन मैटर कर रही है हमारी, तो इसलिए शायद स्केर्ड। ओह दैट्स अ ह्यूज थ्रेट, दैट्स अ बिगेस्ट थ्रेट, हॉलीवुड से बड़ा थ्रेट जो है पायरेसी का है, और ये ऑनलाइन जिस तरह से लीक हो रहा है, आई विश इंडस्ट्री, ऑल द इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन्स कैन कम टुगेदर एंड पुट काइंड ऑफ आस्क द गवर्नमेंट दैट वी नीड इट टू स्टॉप। यार प्रोड्यूसर्स को बोल रखा है कि भाई आप केयरफुल रहिए, तो रहे ले रहे हैं, कुछ होते हैं प्रिकॉशंस होते हैं, लेकिन कितना वर्क करते हैं मुझे पता नहीं उसकी टेक्निकलिटी। आई एम रियली थैंकफुल एंड मेरी फिल्म जो है कबाली के साथ भी रिलीज़ हो रही है, उसके लिए मैं बहुत ऑनर्ड हूँ। मुझे लगता है कि जब मैंने दोनों पोस्टर एक साथ देखे, रजनीकांत जी का और मेरा एक साथ लगा हुआ, तो मुझे लगा कि रजनीकांत जी मेरी फिल्म को आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे लिए इससे अच्छी खुशी की कोई बात नहीं है कि मेरा ही पोस्टर लगा हो, रजनीकांत साहब का ही पोस्टर लगा हो। आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए नहीं। It's very touching, it's very moving, very nicely made. And of course, Irrfan Khan, I can't say enough for him. I think the way he expresses his eyes, I think they are so expressive that you can actually stay on him for very, very long and you can't get bored. And the chemistry between the kid and Irrfan, so his character is also amazing. It's very cute. And I love the ending also. So I just loved it. Thank you. बहुत अच्छी फिल्म है। इरफान अनडाउटेडली इज़ डन अमेजिंग वर्क एंड एज अ स्क्रिप्ट निशिकांत हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। कांग्रेस फॉर द न्यू कार। ओह थैंक्स, इट्स नॉट न्यू एनीमोर। किस चीज़ के लिए विश करूँ मैं? मुझे नहीं पता है, अगर उन्होंने कहा है कि 18 नवंबर को शादी कर रहे हैं तो जब शादी होगी तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी उनको विश करने के लिए। थैंक यू। हेलो। फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत हार्ड हिटिंग थी एंड बहुत ही अच्छी फिल्म है। आई थिंक सभी को जाके देखनी चाहिए। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इरफान सर एज यूजुअल इज माइंड ब्लोइंग एंड राइट नाउ आई एम अ लिटिल चोक्ड फॉर वर्ड्स, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ये वो मुझे कैसे पता होगा, मैं सलमान खान थोड़ी हूँ, वो तो आपको सलमान खान से पूछना होगा। आज हम मदारी के लिए यहाँ पे आए हैं, हम मदारी के बारे में हम बात करेंगे, सलमान की शादी और वो सब के बारे में। आप प्लीज़ सलमान से पूछना, मुझे कोई आइडिया नहीं है। थैंक यू। Irfan is fantastic, he is a fantastic actor, but Nishikant has made a very good film and I want to wish them all the luck. Ma'am, your upcoming pilot is Madaari. तुमने क्यों नहीं देखी, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। तुम यहाँ खड़े रहे इतनी देर, आप भी देख लेते, आपको भी पता चल जाती। मैं कब दिखाऊँ आपको फिल्म? ओके।
नहीं नहीं आपको हम वैसे ही बुलाएंगे, आपकी स्क्रीनिंग करवाएंगे। बताइए क्या आपको कैसी लगी मदारी फिल्म, बताइए। ये प्रोड्यूसर इनसे क्यों पूछ रहे हो, तारीफ ही करेंगी यार। ये पर्टिकुलरली ये स्क्रीनिंग आज जो थी मेरे लिए बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई है। शाहरुख साहब आए, क्योंकि अभिजी आए और संजय साहब, सब लोगों ने आके मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को पर्सनल उन लोगों ने फेवर किया है। एंड इतना ऑनेस्ट उन लोगों का रिएक्शन था, आई एम फीलिंग रिलीफ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो इतना सालों की मेहनत थी वो कुछ ना कुछ सा मुझे थोड़ा फल मिला है। तो मैं रियली सबके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ जो लोग आए हैं, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से।